मैं आपको होस्ट बना देती हूँ, मैं एंड कर दूंगा, यू डोंट वरी, आई विल एंड इट, यू मेक मी द को होस्ट, आई विल एंड इट। ओके ओके, स्टार्ट हो गई ये रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ, देखिए तो अभी जो है ना, सी नाउ व्हाट वी एग्जैक्टली वांट टू ब्रेक दिस सर्किल, कहाँ से सर्किल बन रहा है ये, क्योंकि तो सबसे पहले पहले क्या हो रहा है, बेमतलब के थॉट्स आ रहे हैं, मेरा हाथ गंदा है, मैं गंदगी हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह, मेरा हाथ साफ नहीं हुआ है, मैं साफ नहीं हुई हूँ, उस वजह से एंग्जाइटी आती है, एंग्जाइटी की वजह से क्या होता है, रिपीटेड कंपल्शन सेक्शंस होते हैं और वो उसको रिलैक्सेशन देते हैं, दुष्चक्र को तोड़ना है, तोड़ना है। तुम आने वाले विचारों को नो कैसे, कैन वी से नो टू द थॉट्स, मुझे ऐसे विचार नहीं चाहिए, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, दे कांट बी कंट्रोल। अच्छा, कंपल्शन पर कंट्रोल कर सकते हैं आप लोग, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एंग्जाइटी है तो आपको कंपल्शन करने ही होते हैं। क्यों कंपल्शन करने होते हैं, क्योंकि आप उसके बाद शांत हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो। तो अभी है ना, इसके लिए सबसे पहले पहले दो टेक्निक्स आती हैं, पहला है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी, उसको कहते हैं CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी, यही जैसे OCD का नाम क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर। विचार आया, बिहेवियर हुआ, विचार आया, बिहेवियर हुआ, राइट। अब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी क्या बताती है कि आप इन अपने विचारों को वहां रखो, कौन से विचारों को, कि मेरे हाथ साफ हैं, मैं बिल्कुल क्लीन हूं, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता है, राइट। ऐसे बार बार अपने विचारों को आप क्या करो, रिप्लेस करो। अभी समझो आपके मन में हंड्रेड्स ऑफ थॉट्स हैव कम, राइट। तो ये ऐसे रोगी क्या करते हैं, फटक से वो एक्शन करना चालू कर देते हैं कंपल्शंस की। उसकी जगह पर अगर एक थॉट रखा, एवरीथिंग इज फाइन। जैसे उनको बाबा क्या बोलते हैं, बच्चे जो भी होता है ना, बस एक थॉट रखो, मिरेकुलस अफर्मेशन रखो, मेरे साथ जो होगा बहुत अच्छा होगा, या मेरे साथ सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरे में कोई खराबी नहीं है, या आई एम एब्सोल्युटली क्लीन, राइट। जैसे मैंने एग्जांपल बताया ना कि वो ये आगे की थेरेपी में आएगा वो, तो ये जो है ना क्या करना चाहिए, पहले लिस्ट निकालो कि कौन कौन से थॉट्स मुझे आ रहे हैं जो मुझे एंग्जाइटी में डाल रहे हैं, राइट। उसको रिकॉर्ड करो, व्हाट आर थॉट्स रियली पुटिंग इनटू ट्रबल, राइट। उसके बाद में उसको रिप्लेस करो, हर नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में रिप्लेस करो, फिर उसको लिखो और फिर उसको बार बार पढ़ो। रिपीटेशन इज द गोल्ड रूल फॉर द सबकॉन्शियस माइंड टू चेंज, राइट। इनकी जड़ें कहाँ चली गई हैं, सब ऑटोमेटिक मोड पे चला जाता है। अभी राधिका ने बोला ना कि अब मुझे कुछ नहीं लगता है, या उनको द एवरीथिंग अपीयर्स हर्स टू बी नॉर्मल, क्योंकि वो ऑटोमेटिक मोड पे चली गई हैं, इट बिकम्स ऑटोमेटिकली एवरीथिंग। तो इसके लिए जो है ना, CBT में 5 स्टेजेस होती हैं, वो तो हम जो है इनको जब लेंगे काउंसलिंग में, तो आई गो इनटू डिटेल्स, उनको चार्ट भी दूंगा कैसे चार्ट भरना है, और फिर उनकी रेगुलरली काउंसलिंग में करूंगा ऐसे पेशेंट्स की। दूसरी बात जो है ना, दूसरी बात फटाफट बताता हूँ, ERP, एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन मतलब देखो, उसके पहले प्रोब, PROB लिखो सभी, PROBE, प्रोब, प्रोब, प्रोब मतलब पहला वर्ड क्या है प्रोब का, पी मतलब पेशेंस। इस बीमारी से अगर कोई भी बाहर आना चाहता है तो धैर्यता से काम लेना होगा, राइट। इसको ठीक करने में इट माइट टेक सम मंथ्स ऑल टुगेदर, धीरे धीरे ये बीमारी कम होती चली जाती है और फिर डिसअपीयर हो जाती है, राइट। पहला प्रोब, PROBE, तो पहला जो अक्षर है प्रोब का, दैट इज पेशेंस, राइट। पेशेंस के लिए मैं कुछ प्राणायाम अभी बताऊंगा आपको, आई विल टेल यू सर्टेन प्राणायाम, राइट। उसके बाद आता है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मतलब उसमें कई सारे रिलैक्सेशन टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे आसन है, प्राणायाम है, शवासन है, योग निद्रा है। अभी कुछ ब्रीदिंग टेक्निक बताऊंगा आपको, 5 मैं आपको सिखाऊंगा आपको लास्ट में भी, आखिरी 15 मिनट में 5 ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाऊंगा, जब को रिलैक्स कर दिया तुरंत ही, जैसे ही सिम्टम आया यू डू दिस, राइट। उसके बाद में तीसरा अक्षर क्या है, ओ,
ओ मतलब ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व मतलब साक्षियों को देखो। अब जैसे ही ऑब्सेशन आया ना, तो ये लोग क्या करते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, और एंग्जाइटी उनको मजबूर करती है कंपल्शन करने के लिए, रिपीट एक्शन करने के लिए। तो अभी ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व मतलब साक्षी हो जाना, तटस्थ हो जाना, जो हो रहा है उसे होने देना। जिसका मेडिटेशन जो है बेस्ट, उसका उपाय है ये, राइट, इवन मेडिटेशन विल हेल्प देम। और फिर जो है चौथा जो है ब्रीदिंग, मैं आपको बताऊंगा ब्रीदिंग कैसे कैसे होती है इसमें। और सबसे लास्ट में आता है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज राइट, एक्सरसाइज फिजिकल मेंटल, बार बार लिखना एफर्मेशंस को राइटिंग में, वो भी मैं बताऊंगा आपको। ब्रीदिंग टेक्निक्स होती है, तो पांच बातें, प्रोब मतलब पहले पेशेंस, प्रोब पेशेंस, ऑब्जर्वेशन, रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन, हाँ यस यस, ऑब्जर्वेशन, रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग, एक्सरसाइज, राइट, और ऑब्जर्वेशन ओ से, यस ओ से ऑब्जर्वेशन, राइट, पांच बातें हैं, राइट। अभी जो है ना, कैसे एंग्जाइटी के समय जब वो ऑब्सेशंस आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अनकंट्रोलेबल थॉट्स आते हैं, जो मुझे मजबूर करते हैं स्वीकार करने के लिए कि मैं गंदी हूं, आई एम नॉट क्लीन, राइट, आई एम नॉट क्लीन। जैसे बहुत सारे थॉट्स आते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि आपको सेक्सुअल थॉट्स आते हैं कि मैं अपनी बहन को देखूंगा तो मैं उसको प्रेग्नेंट कर दूंगा। अभी उसको पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी माँ के साथ मैं जाऊंगा तो उसको भी ऐसा कर दूंगा, ऐसा ऐसा वो लोग करेंगे नहीं, दिल नॉट ड्रिंग टू एक्शन, लेकिन विचार इतने ज्यादा उनको लगते हैं। तो उसकी जगह पर कौन सा विचार लिखना पड़ेगा, कि आई रिस्पेक्ट माई मदर, आई लव माई मदर, आई एम ए प्योर चाइल्ड ऑफ गॉड, आई ऑलवेज बिहेव वेरी एथिकली, आई कांट डू एनीथिंग अनएथिकली। ऐसे थॉट जो उसको तनाव से लेकर रिलैक्सेशन लेके आते हैं, इसको बार बार लिखना होता है। वो टेक्निक मैं आगे उनको सिखाऊंगा डिटेल में। आप जो है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मैं आपको छोटी सी बता के कि कैसे रिलेट होती है बीमारी मत दिमाग के साथ में, राइट। एक कुत्ता है, राइट, एक कुत्ता है, कुत्ते के सामने खाना रखा, राइट, कुत्ते के सामने खाना रखा, राइट, तो खाने को देखते ही क्या होगा, कुत्ते के मुंह में सलाइव आएगा। डू यू एग्री विथ मी? यस, राइट। पहली बार में कुत्ते के सामने आपने खाना रखा तो कुत्ते को सलाइवा सिक्रेशन हुआ। अब कुत्ते के सामने से खाना हटा दिया, एक घंटी बजाए कुत्ते के सामने, सिर्फ घंटी बजा रहे हैं, समझा? तो कुत्ते को घंटी बजाने से कुछ इफेक्ट होगा क्या सलाइवा में? होगा? नो 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 नो, राइट। अभी तीसरे में कुत्ते के सामने खाना भी रखा है, घंटी बजाई जा रही है, खाना भी रखा है, घंटी बजाई जा रही है, राइट। अब कुत्ते को फिर से सलाइवा सिक्रेशन होगा, राइट। अब चौथे में खाना सामने नहीं रखा है लेकिन घंटी बजाई जा रही है, तो भी इसको सलाइवा आता है। क्यों सलाइवा आता है? घंटी बजी मतलब खाना आएगा, राइट। अब इसको हम रिलेट करते हैं, पहले जो 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 पहले पहले समझो कुत्ते के सामने खाना रखा गया है ना, तो सलाइवा आया मतलब सिक्रेशन, मतलब वो विचार जैसे आए ना तो उनका कंपल्शन शुरू हुआ, राइट, जस्ट टू ओवरकम द एंग्जायटी, राइट। उसके बाद में उन्होंने वो एक्ट किया, कौन सी एक्ट किया, समझो घंटी बजाई, राइट, वो एक्ट किया उन लोगों ने। अब जब दोनों ही बातें उनके सामने आएगी ना, कि दोनों, अब समझो घंटी और खाने के बाद सिर्फ वो घंटी आ रही है, घंटी इज अ रिलैक्सेशन, राइट। अब जैसे ही वो रिलैक्सेशन ऐसे लोग करते हैं ना, तो उनका एंग्जाइटी डिसअपीयर हो जाती है, जो कंपल्शन है वो निकल जाएगा बाहर, और धीरे धीरे करते 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 एक दिन ऐसा आएगा वे टोटली इनकी जो पूरी बीमारी है ना पूरी तरह कट ऑफ हो जाएगी, विच नो मेडिकल साइंस कैन क्योर। आया समझिए सभी को यहाँ तक, क्लियर? कुछ सवाल पूछना तो अभी आपको रिलैक्सेशन टेक्निक थोड़े बताता हूँ, जस्ट प्लीज कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर आपने ये जो ERP बताया, इसमें एक्सपोजर प्रिवेंशन, हाँ, और क्या था सर? पी का ERP का जो है ना फुल फॉर्म है एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। अच्छा वो आपने पूछा, अच्छा आप पहले बता देता हूँ मैं ये, अभी समझो जिनको है ना, भी समझो राधिका यहाँ बैठी हैं या स्तुति यहाँ बैठी हैं, राइट, एक्सपोजर मतलब जितना हम उससे डरेंगे ना उतना ज्यादा अपने ग्रिप में लेता है। अब एक्सपोजर मतलब एक नहीं, वो ड्रिंक की एड आती है उसमें शायद सलमान खान आता है कि डर के आगे ही जीत है, सलमान खान आता है या
नहीं, ऋतिक रोशन पहले और भी कोई था, तो डर के आगे ही जीत है, राइट, डर के आगे ही जीत है। तो एक्सपोजर में हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उस व्यक्ति को घर के सामने जो शमशान घाट था वहां जैसे ही जो है बॉडी रखते थे बाहर लाके उसके घाट में, उसको क्या करता था, डर लगता था कि अब ये वहां के जर्म्स मेरे अंदर चले जाएंगे। तो एक्सपोजर मतलब क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को, है ना, जैसे राधिका है या जैसे सिस्तुति है, उनकी मम्मी को बोलना चाहिए बेटा आपको लगता है ना गंदी है, देखो मैं बैठी हूँ यहाँ पे, मेरे कुछ हुआ, अभी मैं भी बैठ के देखती हूँ मुझे कुछ हुआ क्या। तो एक्सपोज किया आपने उसको, उसको प्रिवेंट नहीं किया, एक्सपोज किया उसके सामने, राइट। और एक्सपोज करके फिर क्या होता है, रिस्पॉन्स उनका क्या होगा, चेंज होगा, राइट। और रिस्पॉन्स चेंज होने से क्या होगा, वो जो बात होने वाली है वो प्रिवेंट हो जाएगी। तो ये भी एक थेरेपी है जो बहुत ज्यादा काम करती है, ये साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं इसको, ईआरपी मतलब समझो मैं बाहर। हाँ, राधिका को भी डॉक्टर ने करवाया था, उसको कूड़ा हाथ में दे के ना बिठा देता था काफी देर के लिए, वेरी ट्रू। फिर उसके बाद कहते थे देख मैंने भी पकड़ा हुआ, कुछ हुआ है क्या, कुछ भी नहीं होता। हाँ करेक्ट, ये सिखाया क्या है, राधिका उससे बाहर क्यों नहीं आ पाई है जी, क्योंकि उनको ये जो है ना थेरेपी वो लगातार होनी चाहिए, ये अलग-अलग ब्रेक नहीं होता है, इट टेक्स मंथ्स टुगेदर, इनको काउंसलर के साथ बैठना चाहिए लाइक मी, राइट। तो और सतत इसका होना चाहिए, मैंने क्या बताया, पेशेंस, हां जी, परसिस्टेंस एंड प्रैक्टिस, हां जी, दिस थिंग्स एक्चुअली प्रैक्टिस, पेशेंस, परसिस्टेंस, बार बार उसको अभ्यास करना चाहिए, जो मैं कराऊंगा आपके साथ, आप भी रहोगे मेरे साथ, मैंने बोला है आपको, बाहर भगवान की मदद से जरूर आ जाएंगी बाहर, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल राइट। तो पहला पहला अभी मैं चल रहा हूँ, और कुछ पूछना है किसी को? नो सर। देखो अभी सबसे पहले पहले है ना, मैं आपको बताता हूँ, एक ऑन द स्पॉट जैसे ही ये ऑब्सेशन आता है ना तो क्या करना चाहिए, देखो एक बहुत इजी ब्रीदिंग बताता हूँ, बॉल ब्रीदिंग कहते हैं, बॉल ब्रीदिंग क्या करना है आपको, पहले 9 बार आपको पेट में सांस भरनी है, राइट हैंड, राइट हैंड आपका रखो पेट पर और लेफ्ट हैंड को यहाँ रखो छाती के पास में, राइट, राइट हैंड ऑन योर टमी मोर देन नेवल, राइट। अभी आपको क्या करना है, सांस को भरते हुए पेट को फुलाना है, मुंह से सीटी बजाते हुए, सीटी का जो एक्शन करते हुए और जीभ का जो जो होंठों का जो शेप बनेगा ना, और आपको सांस को बाहर फेंकना है, कितने बार करना है ऐसा, 9 बार, ब्रीद इन, ब्रीथ इन पेट बाहर, ब्रीथ आउट करोगे पेट अंदर जाएगा, ऐसे 9 टाइम्स करना है। उसके बाद 10वें टाइम आप क्या करोगे, 10वें टाइम आप जब ब्रीथ इन करोगे ना, अब जब 9 बार करोगे तो पेट आपका स्टेबल रहेगा, पेट आपको मूवमेंट पे आएगा, छाती स्टेबल रहेगी, दैट मीन यू आर डूइंग ओनली एब्डोमिनल ब्रीदिंग। 9 बार आपने किया, 10वीं बार आप क्या करोगे, ब्रीदिंग में आप पेट और चेस्ट दोनों को भी एक्शन में ले आओगे, और फिर आप क्या करोगे, सांस को स्लोली मुंह से बाहर छोड़ने से आप उसको एट ए टाइम बाहर फेंक दोगे। ये देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, पहले 2 राउंड करके देखा, स्लो ओनली एब्डोमिन, राइट, सिर्फ ये देखिए पेट, अभी चासी स्टेबल है, मैं पेट में सांस भर रहा हूँ, ये देखिए सीधे, कोई करना नहीं, देख लेना, पहले मैं 2 राउंड करूंगा ये, फिर आपको 10वां राउंड कैसे होना चाहिए मैं करके दिखाऊंगा, सीना, देखो पूरा जो मूवमेंट है ना, पूरा जो मेरा मूवमेंट है, ये देखिए मेरा हाथ मेरे पेट पर रखा हुआ है, मेरी चेस्ट बिल्कुल स्टेबल है, अभी जो ब्रीथ इन कर रहा हूँ, भाई ये आवाज नहीं आ रही है, भर रहा हूं, ये देखिए सीरियस, आवाज कहां से, ब्रीदिंग की आवाज कहां से आई, मैं ब्रीद आउट कर रहा हूं, ब्रीद आउट करोगे तो आवाज कहां से आएगी, बिना ये देखिए हार्ट लगाए आई कैन शो यू एक्सपांडेड माय एब्डोमिन एरिया, देखो मैं ब्रीद इन कर रहा हूं, Can you see? देखा आपने, इसको कहते हैं diaphragmatic breathing, belly breathing, abdominal breathing. ये मैं आपको बहुत अच्छे क्लासेस में सिखाऊंगा अच्छे से, ऐसा कितने बार करना है, ब्रीदिंग करते हुए पेट बाहर,
और ब्रीद आउट करते हुए पेट अंदर, ऐसा 9 बार करना है। और 10वीं बार हमको क्या करना है, पेट और छाती दोनों में सांस लेनी है। मतलब नाउ यू आर गोइंग फ्रॉम द एब्डोमिन ब्रीदिंग टू द थोरेसिस ब्रीदिंग, दोनों कनेक्टेड हो रही है। और फिर जब सांस छोड़ोगे तो एब्रप्ट सांस को बाहर छोड़ोगे तो दोनों ही नीचे आ जाएंगे। ये देखिए आई एम शोइंग यू द 10th राउंड जो आप करोगे, इसको रोल ब्रीदिंग कहते हैं, रोल ब्रीदिंग। इससे तुरंत ओसीडी का सिम्टम निकल जाएगा आपका, मतलब वो जो एंग्जाइटी होती है ना, ये रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स हम करते हैं कंपल्शन के बाद में होते हैं, तभी करते होंगे। ये देखिए नाउ सी, नाउ आई विल बी टेकिंग 10th राउंड जिसमें हम पेट और छाती दोनों को इन्वॉल्व करते हैं और फिर मुंह से पूरा एक एक ही सांस मुंह से सांस बाहर निकाल देंगे। नाउ लुक एट मी, एट ए टाइम माय चेस्ट एंड एब्डोमेन कम्स आउट, दिस विल बी द 10th राउंड। आया समझ सभी को, इसको कहते हैं रोल ब्रीदिंग। रोल ब्रीदिंग में पहले 9 राउंड आपको करना है, सांस को पेट में भरना है, सिर्फ पेट बाहर आना चाहिए, भाइयों की चेस्ट बाहर आती है अगर आप फास्ट ब्रीदिंग लोगे तो। इसको मैं रेगुलर क्लासेस में सिखाने वाला हूँ, क्योंकि हम चक्रास के ऊपर कल बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, सारे प्रैक्टिकल्स कराऊंगा कल मैं चक्रास को बैलेंस करने के, सारा थ्योरी बहुत हो गई अभी, आई विल टेक ओनली प्रैक्टिकल्स टुमारो इन सेशन में, राइट। सभी करके देखो कमान, 5 राउंड लो, 6वें राउंड में पेट और चेस्ट को दोनों को साथ में लो, रोल ब्रीदिंग। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है, ये आपको रिलैक्सेशन के लिए ब्रीदिंग की टेक्निक है ये। ये स्टार्ट, पेट पे हाथ रखो, राइट हैंड ऑन योर टमी और लेफ्ट हैंड ऑन योर चेस्ट, लेकिन ध्यान रहे चेस्ट बिल्कुल मूवमेंट नहीं आएगी। आज सांस को भर रहे हैं, पेट को फुला रहे हैं और फिर मुंह से सांस को धीरे धीरे स्लोली बाहर छोड़ रहे हैं, पेट आप अंदर जा रहा है। प्लीज कंटिन्यू फॉर द 4 more rounds, स्लोली ब्रीद इन, टमी आउट, ओनली टमी आउट, नो मूवमेंट ऑन योर चेस्ट, अगेन स्लोली ब्रीद आउट बाय एक्सहेलिंग फ्रॉम द माउथ और फिर धीरे धीरे उसका पेट अंदर जाता है, अगेन स्लोली ब्रीद इन, स्लोली ब्रीद इन करो, पेट को बाहर निकालो। अगर आपकी चेस्ट अगर मूवमेंट में आती है दैट मीन्स यू आर ब्रीदिंग फास्ट और आपकी ब्रीदिंग सही नहीं है। इसको मैं कल बताऊंगा आपको लेट कर कैसे करते हैं इसको मास्टरी करने के लिए, हम तो बहुत पुराने हैं, करके हमारी जल्दी होती है। यस, हुआ आपका आयुष, अच्छा लास्ट राउंड ले लो सभी सभी, अब पेट और चाची दोनों को मूवमेंट लाओ और एब्रप्ट सांस को बाहर फेंको मुंह से। यस लास्ट राउंड टेक एवरीबॉडी, व्हेन यू इनहेल तो आपका पेट और छाती दोनों ब्रीदिंग साथ में होगी। यस हुआ आयुषी, कुड यू डू ऑल द राउंड्स, पहले पांच पेट बाहर आता है अंदर जाता है, लास्ट में पेट और चेस्ट, दैट मींस यू डिड द डीप ब्रीदिंग। पहले में एब्डोमिन ब्रीदिंग कर रहे थे, बाद में वी डिड द, वैसे डीप ब्रीदिंग में तो और हम शोल्डर ब्रीदिंग भी करते हैं, कॉलिकुलर ब्रीदिंग भी करते हैं आगे जाके, सर्वाइकल ब्रीदिंग। यस यस हुआ विजयलक्ष्मी आपसे, यस प्लीज, आपने कराया भी है अभी कुछ मैंने पहले, आपने कराया भी था? नहीं ये वाला नहीं कराया, ये वाला आज तक नहीं कराया क्लास में। वी हैव डन द एब्डोमिन ब्रीदिंग, ये जो रोल है, रोल ब्रीदिंग हो गया। हां ये जो रोल ब्रीदिंग है ना, वो पहली बार है तो लंग के लोअर को आप यूज नहीं करते हैं, स्लो भरोगे, पेट को बाहर निकालोगे। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इज ओनली एब्डोमिन शुड बी इन द मूवमेंट। अगर आप स्लो भी ले रहे हैं, अभी मैं देखो स्लो ले रहा हूं, ये देखिए, लेकिन सांस डायरेक्ट चेस्ट में भर रहा हूं, दिस इज नॉट राइट ब्रीदिंग। राइट ब्रीदिंग मतलब योर टमी शुड एक्सपांड व्हाइल इनहेलिंग, योर टमी शुड कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल एक्सहेलिंग, लाइक ए बलून। आया समझ में? ओके, और सेकेंड जो टेक्निक है उसकी मैंने वो है स्क्वायर ब्रीदिंग। दुष्चक्र को तोड़ना है तो आपको ये ब्रीदिंग, स्क्वायर ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 काउंट लो इनहेलेशन पूरक, लेने के बाद 5 काउंट रोको, फिर 5 काउंट छोड़ो, घर्षण का आवाज करते हो नासिका से, और फिर 5 काउंट रोको, इन अंतरंग, पहले पूरक होल्ड अंतरंग कुंभक, बाद में रेच आउट एक्सहेलेशन और रेचक, फिर रोको, दैट इज द शून्य की, या फिर उसको कहते हैं बाह्य कुंभक। चारों फेजेस लेने हैं इसके, आप 3 राउंड पहले करो, 2-3 राउंड्स। यस प्लीज,
इसे मुंह से सांस बाहर नहीं छोड़ना, इसे सांस आपको नासिका से छोड़नी है, घर्षण का आवाज करते हो गले से, दैट वे यू टू ब्रीद आउट नॉट फ्रॉम द माउथ, इसका ब्रीदिंग इन होल्ड आउट होल्ड, पांच काउंट लेना है, पांच काउंट रोकना है, पांच काउंट छोड़ना है, फिर पांच काउंट रोकना है, स्लो ब्रीदिंग। इसमें आप पेट और छाती पे ध्यान नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, सिर्फ इनहेल फाइव काउंट, होल्ड फाइव काउंट, एक्सहेल फाइव काउंट एंड देन आफ्टर एक्सहेलेशन अगेन होल्ड फॉर फाइव काउंट। ये बहुत ही बेहतरीन प्राणायाम दुष्चक्र को तोड़ने के लिए। यस, हुआ? इज इट क्लियर टू यू? यस सर। हुआ नहीं है? यस सर। यस सर। हुआ आपसे? हुआ नहीं है? यस सर। यस सर, मैंने कल भी किया था, आपने परसों बताया था ना, तो कल किया था। यू आर वेरी सिंसियर, वेरी कमिटेड, वेरी एंथुसियास्टिक स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आयुषी, वेरी रेगुलर, राइट। अब एक और करेंगे, क्योंकि भावना जी मुझे बता गई है 4:45 सेशन खत्म कर देना 4:55 को, तो थोड़े हम सवाल के लिए रखेंगे। एक और टेक्निक बताता हूँ, 4:78 मोस्ट रिलैक्सिंग ब्रीदिंग है ये, मोस्ट रिलैक्सिंग ब्रीदिंग। बार 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 अगर ये ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे ओसीडी वाले ना, तो ओसीडी का सिम्टम कम होता चला जाएगा, एंग्जाइटी कम होती चली जाएगी, कंपल्शन कम होते चले जाएंगे, और इस दुष्चक्र से ओसीडी के पेशेंट बाहर आ जाएंगे। ये सिर्फ उसी टाइम नहीं करना है, ये आपको दिन में 10 बार करना है। तो वो जो स्टार्टिंग है ना ओसीडी का, ऑब्सेशंस, इंट्रूसिव थॉट्स, वर्ड्स, पिक्चर्स, इमेजेस, अर्जेस, ये सब के सब निकल जाएंगे, राइट। अब सिक्स काउंट लेना है, जो है फोर काउंट लेना है, एट सेवन रोकना है एंड एट रिलीज करना है, 4, 7, 8, राइट। ये तो सेकंड्स इसमें बताए गए हैं, पर आप भी सिर्फ इसमें सिर्फ सेकंड्स में डबल काउंटिंग होती है, आप सिर्फ ओनली काउंट 4 काउंट इन, 7 काउंट्स होल्ड एंड 8 काउंट्स आउट फ्रॉम द माउथ। ओके, समझ आया सभी को? चलें प्रैक्टिस के लिए। यस सर। यस। ओके। यस। 3 राउंड्स विल बी रिपीटिंग। यस, हुआ बराबर? इसको कितनी देर करना है? इसको 5 मिनट करना है, इसको 5 मिनट्स यू डू दिस। रात को नींद नहीं आती है, करवटें बदल रहे हैं आप लोग, तो भी ये करोगे तो भी आपका बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन आपके आपके आपको आ जाएगा। और जो तो 4 बातें हमने सीखी रिलैक्सेशन, पहले पहले सांसों को देखो, नंबर 1 जिसको मेडिटेशन कहते हैं, दूसरा मैंने बताया आपको जो है ब्रीदिंग कौन सी करनी है, बेली ब्रीदिंग, उसके पहले रोलर ब्रीदिंग बताया, रोलर ब्रीदिंग बताया, बेली ब्रीदिंग नहीं बताया, बेली ब्रीदिंग आज नहीं कराया। बेली ब्रीदिंग में सिर्फ पेट को फुलाते हैं और फिर पेट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड बेली ब्रीदिंग। वो भी बहुत जबरदस्त टेक्निक है। बेली ब्रीदिंग से क्या होता है, आपके विचारों की संख्या काफी कम हो जाती है, लंग्स का अनयूज्ड पोटेंशियल हम यूज करते हैं, आपकी ब्रीदिंग सही हो जाती है। कल चक्रास के सेशन में मैं आपको बहुत ही जबरदस्त सिखाने वाला हूँ, प्लीज डोंट मिस टुमारो सेशन, क्योंकि कल का सेशन चक्रास को कैसे हम अपडेट करते हैं, बैलेंस करते हैं बाय वेरी सिंपल टेक्निक्स, कौन सा चक्र बिगड़ा हुआ तो कौन सी मेडिटेशन करना और कैसे करना, ये कल हमारा सारा सेशन पूरा प्रैक्टिकल्स पर रहेगा, ओनली ऑन प्रैक्टिकल्स, राइट। कुछ सवाल पूछना है तो पूछिए। यस एनीबडी? यस, आपको पूछना है सवाल कुछ रेनु? हाँ जी भाई जी, ये पूछना था कि जैसे इसको ये महसूस नहीं होता मैं कोई गलत काम कर रही हूँ, हाँ हाँ, तो उसको भी उसके लिए भी यही चीजें ही ठीक रहेंगी? हाँ, क्या है एक्चुअली, व्हेन देयर इज नो फीलिंग, हाँ जी, मतलब ये है कि उनका जो राइट ब्रेन है ना, राइट ब्रेन, हाँ जी, काम नहीं कर रहा है, जहाँ फीलिंग है, तो मेडिटेशन से बैलेंस होता है ये, हाँ जी, हाँ जी, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन, अनुलोम विलोम प्राणायाम रोज करेंगे तो उससे भी बैलेंस इसको है ना। हम है ना क्या करेंगे बहन जी, आप मैं और राधिका तीनों साथ में बैठेंगे, मैं प्रैक्टिकली कराऊंगा उनको, प्रैक्टिकली कराऊंगा मैं,
आप करवाएंगे तो चेक कर लेगी, अपने आप पसंद नहीं करेगी। नहीं नहीं, मैं तो मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को साथ में साइकोलॉजिस्ट चाहिए जी। मैं भले साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ लेकिन आई एम द मास्टर इन रिलैक्सेशन टेक्निक थ्रू माय योगा प्रैक्टिस एंड अदर अल्टरनेट थेरेपी जो है मेरे पास। हाँ जी हाँ जी, ठीक है ना, मैं आपको टाइम दूंगा, वी शुड फिक्स द टाइम, और मैं जो टेक्निक्स जो है ना सारी उनको बताऊंगा, फिर उनको कैसे चार्ट बनाना है ना वो सिखाऊंगा सब, धीरे धीरे कैसे उनको खुशी होगी कि भाई मैं नीचे आ रही हूँ नीचे। अभी समझो समझो मैंने बॉडी के वेट को कंट्रोल करना चालू किया, राइट। अभी कुछ ही दिन हुए हैं मुझे, अभी मैंने भी अपना वजन जो है आफ्टर द ऑपरेशन में 2 महीना करीबन घर पे ही था, 1.5 महीना तो टोटली तीन टाइम खाना खाना पड़ता, बहुत सारे मेडिसिन मुझे होती थी, पेन किलर्स वगैरह, तो मेरा वजन बढ़ गया था। अभी मैंने 3 किलो वजन घटाया है, 3 किलो जी। मैं जी। भी विंडो फास्टिंग करता हूँ, तो एक आपको जब्बा में पहनता हूँ, हाफ जब्बा, एक जब्बा मुझे बहुत टाइट लगता था, आज वो पहन सकता हूँ, 2-3 पैंट ऐसी है जो मैं नहीं पहनता था बिकॉज ऑफ टाइटनेस, आज मैं पहन सकता हूँ। तो क्या रिजल्ट सामने आते हैं तो मेरी जो जो विंडो डाइटिंग की जो जो करने की जो दिल है और बढ़ गई, रिजल्ट सामने आ रहा है, तो इनका भी जैसे रिजल्ट देखेंगी ना तो ऑटोमेटिकली शी विल बी मोर इंक्लाइन टू गो फॉर इट बिकॉज़ शी इज कमिंग आउट ऑफ इट नाउ। हां जी हां जी, राइट, क्योंकि अभी तो टाइम बहुत वेस्ट होता है ना इसी इन्हीं कामों में, पानी वगैरह में, पानी सारा टाइम तो बाथरूम में ही निकल जाता है। ना ना, सी नॉट ओनली टाइम बट एंटायर करियर, एंटायर लाइफ, लाइफ द प्लेजर ऑफ द फैमिली मेंबर्स, लाइफ के पूरे गोल्स कुछ नहीं रहते हैं, जिंदगी मैं कह सकता हूँ कि कटी पतंग की तरह बिल्कुल ही दिशाहीन हो जाती है। एवरीथिंग, हाथों की स्किन सारी खराब हो गई है, ओरिजिनल स्किन बिल्कुल खत्म होती जा रही है। अभी साबुन में तो एसिड होता है ना, बार बार एसिड लगाओगे तो क्या होगा, केमिकल रहता है उसमें साबुन में, केमिकल, प्योर केमिकल तो है साबुन, क्या केमिकल तो है। और मैंने तो कहीं देखा है कि साबुन से नहाना ही नहीं चाहिए। यस यस, नहीं नहाती थी पहले, वो तो मलाई आटा लेती थी वही, उसी से नहाती थी। हमारे सिंधी में मेट बोलते हैं, मेट, मुल्तानी मिट्टी, यस, और सब टाइम कंज्यूमिंग है, कहाँ टाइम है, मुल्तानी मिट्टी को रख के फिर उसको थोड़ा ड्राई करना पड़ता है, उसके बाद उसको धो सकते हैं। हाँ वो तो है ही। अभी मेरा लड़के को भी सबके पास है, बस मोबाइल में लगाते हैं सारा टाइम, सबके पास, हमारे बच्चे भी नहीं लगाते इन चीजों। अभी मोबाइल को भी देखो, अभी मोबाइल भी जब देखने का मन करता है ना तो मोबाइल को हाथ मत लगाना, आप क्या करना सांसों को देखना, ये जो ब्रीदिंग पैटर्न बताया ना मैंने, ब्रीदिंग पैटर्न बताया, वो ब्रीदिंग पैटर्न करना, आपकी जो अर्ज है ना वो जो है ना उसमें यूज हो जाएगी। सुरेंद्र जी पूछ रही है हर्बल सोप यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली यूज कर सकते हैं हर्बल सोप, या यू कैन यूज दैट। नहीं ये भी यूज करते रही है राधिका भी, इससे भी स्किन में थोड़ा इफेक्ट आता है, व्हाइट हो जाती है स्किन इसके साथ भी। हम क्या क्या है आप क्या है, आपको स्किन में अगर बार बार पानी लगाया जाए तो स्किन के पोर्स खुल जाते हैं। हाँ जी, पोर्स खुल जाते हैं, राइट, लेकिन अगर उसको ओवर एक्सेसिव यूज किया तो दे लूज द लस्टर, दे लूज द ग्लोइंग कॉम्प्लेक्शन ऑफ द स्किन, रफ हो जाते हैं, रफ, हां रफ हो जाती है स्किन, हो चुका है इसका, हो चुका है, ठीक है ना। और कुछ पूछना है किसी को जी, सेंसिटिव के लिए बता दीजिए, जो सेंसिटिव होते हैं वो क्या चीज करें कि जिससे कि वो मतलब कि दूसरे की जो वो बोल रहे हैं उनकी बातें उनको लगे ना, वो मतलब कि जो चलती हैं वो चीज को ना, क्या करें वो। हाँ, सी नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग इज आप अपने नेचर को, अपने स्वभाव को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, राइट, उसको ब्रेक देना है, तो ये सारे प्राणायाम जो मैंने बताया दे विल हेल्प यू आउट। नंबर वन मेडिटेशन, आनापान शुरू में मैंने कराया, आज साक्षीपन की भावनाओं को कराया, दीज थिंग्स विल हेल्प। और आपको ना बार बार अपने मन को ऑटो सजेशन देना है कि आई एम बिकमिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, आई एम गेटिंग आउट ऑफ सेंसिटिव फीलिंग नाउ, बार बार इसको लिखो, राइट डाउन, जो मैंने बताया ना इसमें हम एक्सरसाइज में क्या कराते हैं, एक्सरसाइज मतलब जो मैं कल चक्रास के बारे में बताऊंगा तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज कराऊंगा कल का, प्लीज सेशन मत मिस करना, और किसी भी हालत में खाना मत खा के आना कल। ओके सर, खाना नहीं खा के तो कर पाओगे प्राणायाम तो नहीं कर, मैं सारा पूरी मेडिटेशन कराऊंगा, कैसे वो बॉल को उस चक्र पे रखना है, कैसे उसको आगे ले जाना है, कैसे हील करना है, ऑल प्रैक्टिकल से भी देयर टुमारो, ठीक है, क्लियर हुआ सब्जेक्ट ये। जी जी सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू।
काम की बात बता रहा हूँ। ओसीडी के जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो एक सेटिंग का 5,000 रुपए लेते हैं और ऐसे पेशेंट्स को हो सकता है 50 सेटिंग लगे, लेकिन यहाँ पर हम इस ग्रुप में कोई चार्ज नहीं लेते हैं, आपको पता हो। तो अगर ऐसे केसेस आपके सामने नजर में आते हैं ना, तो आप है ना डेफिनेटली हमारे साथ। कंचन आप बैठे हैं, कंचन पर आप प्लीज। कंचन हाँ जी भाई। कंचन आप जरा वीडियो ओपन करो प्लीज। कंचन हमारे ग्रुप के एडमिन है और ये भी हीलर है, इनका अपना ग्रुप चलता है योगा का और इन्होंने ही मुझे केस डाइवर्ट किया। इन्होंने कई इनके केसेस इन्होंने मतलब लिए हैं ओसीडी के। यस कंचन प्लीज ब्रीफ योरसेल्फ प्लीज। वीडियो तो नहीं चालू कर पाऊंगी। ठीक है फाइन। बोली। यस प्लीज। आपके पास कौन से ओसीडी के केसेस आते हैं वो बताइए आप। नहीं ओसीडी का एक्चुअली ये सीजन का ही था। तो जो मैंने उनको फिर बोला कि आपसे ले ले, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो आई खुद भी और इतना अच्छा इंटरेक्ट किया और आप इतना अच्छा उनको बता रहे हैं, मुझे भी सीखने मिल रहा है। इसलिए तो मैंने आपको खास फोन किया आज के पाना पक्का। हाँ जी हम लोगों ने मिलके काम करेंगे। आयुषी आपको भी तैयार होना है। विजय लक्ष्मी यस सर तैयार हो जाओ सब लोग। ये सारी टेक्निक युवा मास्टर प्राणायाम आपने मेरे साथ रह के कई सारे प्राणायाम किए हम लोगों ने गार्डन में, ब्रह्मकुमारी गार्डन, पता है ना आपको, आप वहीं की मेरी स्टूडेंट रही हैं। जैसे सुरजीत भाई हैं हमारे साथ में, तो ऐसे पेशेंट्स को आप भी, नहीं तो हम क्या करेंगे कलेक्टिवली ऐसे पेशेंट्स को ना साथ में लेंगे और साथ में प्राणायाम कराऊंगा मैं उनको। जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स है ना, जैसे विचार आता है तो लिखो, लिखाऊंगा मैं, तो हमें ना कलेक्टिवली। कंचन जी आप सुन रही है ना कंचन? हाँ जी। हम क्या करेंगे ऐसे पेशेंट्स को हम कलेक्टिव भी ले सकते हैं और आप और मैं और जो प्राणायाम जानने वाले अच्छे हैं ना, मैं आपको एफर्मेशन देते जाऊंगा, उनको मेडिटेशन कराऊंगा, विजुलाइजेशन कराऊंगा, तो कलेक्ट। और हम इनके लिए है ना, जो भी पेशेंट्स यहाँ आएंगे ना, हम लोग सब मिलके उनके लिए EFT करेंगे। EFT क्या करता है? ऑन द स्पॉट स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करता है EFT, आपको रिलैक्स करता है। तो जो अर्ज होगी ना, तो मैं उनको EFT भी कराऊंगा। और ऐसे जो बच्चे हमारे पास आएंगे ना, जैसे स्तुति है, राधिका है, तो और भी अगर कोई आए तो हमें इनका साथ में भी क्लास देंगे और यहाँ पर उनके लिए EFT भी करेंगे, थोड़ा मेडिटेशन भी करेंगे, ताकि आप सभी का सहयोग मिले उनको ठीक करने में ये बीमारी। रेडी? बिल्कुल यस सर। यस सर जी राइट ना, ऐसा करो अंगूठा ऊपर सर जी। हाँ बोल सर जी। रेडी सर जी, अभी क्लास करते वक्त ना कुछ पॉइंट्स ऐसे मुझे लगे कि मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी, अभी तो नहीं, आपसे 4-5 पॉइंट्स हैं इसी को लेके शेयर करूंगी। क्लास में शेयर करेंगे? हाँ, अलग करना कल करेंगे। नहीं, कितना टाइम लगेगा वो शेयर करने में? लगेगा तो 2-3 मिनट चलेगा वो, एटलीस्ट सभी 2 मिनट रहो। मेरे को 4:55 को खत्म करने बोला है भावना ने, वी गॉट सम टाइम। यस प्लीज शेयर, क्योंकि सभी को फायदा मिलेगा सुन के। बोली विजय लक्ष्मी जी। हाँ, मैं कह रही थी सबसे पहले साइकोलॉजी की बात है ना, तो साइकोलॉजी तो मन से ही होती है, तो उस हिसाब से पेशेंट पहले तो सबसे पहले पेशेंट को फेथ होना चाहिए किसी एक पर कि ये मेरे लिए सही है और सही बोल रहा है, और प्यार भी होना चाहिए उससे, क्योंकि प्यार होगा तो ही उसका विश्वास भी उस पर बैठेगा। क्योंकि श्रुति और क्योंकि उस तरीके से माइंड डाइवर्ट उसका होगा कि हाँ ये करेक्ट है चीज, मैं जिसका सुनू, ये जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक मिनट मुझे इसके पीछे बोलने दो। देखो जब व्यक्ति को फायदा होना शुरू होता है ना, तो उसकी तरफ झुकता है व्यक्ति। जैसे हम ऐसे पेशेंट को साथ में लेंगे और इनकी अगर अर्जिंग कम हुई, तो नेचुरली दे विल कम अगेन फॉर द काउंसलिंग, कम अगेन फॉर द रिलैक्सेशन टेक्निक्स, और फिर ना ऑटोमेटिकली, क्योंकि इंसान वहां झुकता है जहां प्राप्ति होती है। क्यों जाते हैं मंदिर में, क्यों जाते हैं गुरु के पास? हाँ, में हाँ। कि वी गेट मेडिटेशन में क्यों जाते हैं, वहां से प्राप्ति है ना,
माँ के पास क्यों, बच्ची 80 साल की हो जाती है ना, माँ 100 साल की है तो भी बच्ची भागती जाती है माँ के पास, क्यों, वहां से प्राप्ति है ना, तो जैसे ही प्राप्ति होगी, यस गो अहेड नाउ प्लीज। तो वही वही था कि फर्स्ट नंबर की उसको लैक ऑफ लव, उसको प्यार मतलब वैसा प्यार नहीं, मगर उसको विश्वास का प्यार नहीं है, विश्वास ही नहीं है उसके अंदर। तो पहला फेथ होना चाहिए, और घर में जो 24 घंटा उसके साथ है, नेचुरल माँ होगी, अगर मैरिड है तो हस्बैंड या वाइफ हो गए, तो पहले सबसे पहले उनको उनको विश्वास में लाना पड़ेगा। विश्वास नहीं, विश्वास तो दिलाना पड़ेगा लेकिन बहुत प्यार देना होगा, प्यार से वही वही लैक ऑफ लव। ये लोग भी क्या परेशान हो जाते हैं ना, ये भी इनका जीवन को अपनी आंखों के सामने अपने बेटे का जीवन उजड़ता हुआ देख के कौन सा माँ बाप परेशान नहीं होएगा। और दूसरा जो घिन की भावना है ना, कुछ ऐसा करे जैसे उसकी पसंद क्या है, फ्लावर पिक्चर्स या कुछ ऐसा, जैसे अगरबत्ती वगैरह का किसी को होता है शौक, किसी को इत्र का होता है, फ्रेग्रेंस का होता है, तो वो चीज सराउंडिंग। ये बात जो है ना, मैं ये बात जो है मैं इन लोगों को कराऊंगा टू डेवलप अ हॉबी, टू डू द थिंग्स विच दे लाइक, इफ दे डू दैट ना दे फील गुड। बिजी रहे अपनी हॉबी में ना, तो इससे थोड़ा बाहर निकलें। वेरी ट्रू। की जगह पे उसे इस चीज का अट्रैक्शन हो कि हाँ ये चीज अच्छी है, ये खुशबू अच्छा है, तो धीरे धीरे उसका उधर से मन धीरे धीरे हटता ही जाएगा। एग्जैक्टली। नहीं भाई जी, पर ये थोड़ी देर के लिए फीलिंग आती है उसमें, जिसको ओसीडी होता है, थोड़ी देर ये फीलिंग आती है कि मुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर नॉर्मल सब सामान एज इट इज पड़ा रह जाता है, कुछ नहीं कर पाता। नहीं देखो, अगर अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो उसका ये मतलब है कि हमारे एफर्ट्स कम पड़ रहे हैं। रेणु जी, तो हम इस ग्रुप के भी ब्लेसिंग का सहारा लेंगे, मेडिटेशन करेंगे ऐसे बच्चों के लिए, हम ऐसे बच्चों के लिए EFT करेंगे, और फिर देखो आप कैसे रिजल्ट है। मैं तो चाहता हूँ कि दोनों बच्चियां जो हमारे साथ आज आए ना स्तुति, और कल का प्लस 7:30 बजे है, दोनों बच्चियों को हम लोग एक पॉइंट और बच गया है। बोलो बोलो बोलो। आपका सिखाया हुआ बेस्ट पॉइंट कि अगर निगेटिव थॉट्स वहीं आते हैं तो कैंसिल करवा दीजिए ना, उसकी आदत डला दीजिए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दैट। सर एक वाली टेक्निक सिखाई आपने, रात को नेगेटिव थॉट्स सारे लिख के पर्ची मार के टॉयलेट में फ्लश कर दी। ये मैंने करते करते मैंने पॉइंट ये क्या है, ये जो है ना, ये सारी प्रैक्टिकल बातें उन लोगों के साथ में करूंगा जो सफर कर रहे हैं। क्योंकि ये क्लास माइंड पावर की नहीं है ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लास, एक क्लास OCD की है, और OCD बिना काउंसलर के कैन नॉट बी करेक्टेड। अगर कोई अकेला करना चाहे ही कैन नॉट डू, नहीं कर सकता। इसलिए जो है ना, मैं इन दोनों को भी साथ में रखूंगा, इनकी माताओं को भी साथ में रखूंगा, और इनको भी कराऊंगा, खुद भी करूंगा, और फिर क्लास में इनके लिए हम EFT करके थोड़ी ब्लेसिंग देंगे इनको, बाबा की प्रकाश देंगे। उनके मदर को भी पूरा एफर्ट देना पड़ेगा साथ, क्योंकि इन सभी का जो पुण्य है ना, मैं आप सभी को भी दिलाना चाहता हूँ, यू ऑल शुड बी ब्लेस्ड बाय गॉड फॉर गिविंग योर हैंड्स टू करेक्ट दीज गर्ल्स। ठीक है, ओके सर जी, ओम शांति। ओके ओम शांति भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, थैंक यू, शुक्रिया।